हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अजीत ऑटो हब। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आज हम करने वाले हैं वैगनर गाड़ी का रिव्यू, क्योंकि इसको मैंने 2019 में ली थी दिसंबर में, तो इसको ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं। अभी दिसंबर में इसको 3 साल हो जाएंगे और 52,000 चल चुकी है ये कार। तो मैं इसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि इसके साथ क्या क्या नेगेटिव चीज़ें थी और क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें थी, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे रिव्यू के लिए। तो आ जाओ, चल 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 चल, ए गाड़ी स्टार्ट कर, चप्पल चप्पल छूट गया। तो फ्रेंड्स, ये वैगनर का एलएक्सआई वेरिएंट है। इस एलएक्सआई वेरिएंट में हमको 2 पावर विंडो मिल जाते हैं, सेंटर लॉकिंग मिल जाता है, ये वैगनर का LXI वेरिएंट है, LXI ऑप्शनल। LXI वेरिएंट में आपको सिंगल एयरबैग मिलेगा और इसमें डबल एयरबैग है क्योंकि ये LXI ऑप्शनल है। तो LXI ऑप्शनल के लिए 8 से 10 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा एयरबैग मिल जाता है यहाँ पे, जो कि है एक आपका ड्राइवर साइड, एक को ड्राइवर साइड। आपको यहाँ पे ये मैंने एंड्रॉयड स्क्रीन बाहर से लगवाई थी, इसमें नहीं आता है, यहाँ पे खुद से ही लगवाना पड़ता है। अगर आपको म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक सुनने का है तो आपको खुद से ही लगवाना पड़ेगा। तो ये है, और मैनुअल एसी आता है इसमें, मैनुअल ट्रांसमिशन में और ऑटोमेटिक में दोनों में आता है ये। तो मैंने मैनुअल ट्रांसमिशन में लिया था। ये सीएनजी वेरिएंट है, ये सीएनजी वेरिएंट है जिसका स्विच यहाँ पे है। यहाँ से हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं पेट्रोल पे, सीएनजी पे। अगर सीएनजी पे ही चल रही काफ़ी टाइम से, तो आपको पेट्रोल पे भी चला लेना चाहिए। दिन में 1 से 2 किलोमीटर कम से कम आपको चला लेना चाहिए पेट्रोल पे भी, तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो अभी आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि गाड़ी सीएनजी पे है, यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिख रहा होगा और इसके पॉइंट है और ये पेट्रोल का। तो आप देख सकते हैं, स्विच को मैं प्रेस करूंगा तो ये पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी यहाँ से, इस तरीके से इसको स्विच कर सकते हैं और वापस आप जितना ड्राइव करना चाहते हैं पेट्रोल पे कर सकते हैं, और इसको आप वापस सीएनजी पे चलाना चाहते हैं सीएनजी पे कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो ठीक है, तो ये है इस चीज़ में। और इसका जो इंटीरियर का कलर है, ब्लैक एंड बेज कलर का, जो कि बहुत ही अच्छा लुक देता है, पहली वाली वैगनर से काफ़ी अच्छा लुक है और काफ़ी स्पेस है इसमें। तो ये तो है फ्रंट रो में ये चीज़ें। अब इसका सेकंड रो देख लेते हैं, सेकंड रो में कितना स्पेस है। तो ये इसका सेकंड रो है और सेकंड रो में पहले वाले वैगनर से काफ़ी स्पेस अच्छा है। आप देख सकते हैं इसका लेग रूम भी अच्छा है, यहाँ पे 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, कंफर्टेबली है। हाइट भी इसकी अच्छी है, मेरी 5'8" हाइट है, फिर भी आप देख सकते हैं काफ़ी है स्पेस यहाँ पे। और पहले वाली वैगनर से जो है काफ़ी स्पेसियस है। और यहाँ पे चारों दरवाजों में आपको बोतल होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पे आप बोटल्स वगैरह रख सकते हैं। तो ये है, और पीछे से जो डैशबोर्ड का व्यू है कुछ इस तरीके से दिखता है, और फ्रंट रो का बहुत ही अच्छा, जो सबसे बढ़िया चीज़ लगती है इसमें, ब्लैक एंड बेज कलर का। और इसकी जो शेप बनाई है पहले वाले डैशबोर्ड से काफ़ी अलग है और अच्छी है दिखने में, तो इस तरीके की है। अब इसका पीछे का देख लेते हैं। ओवरऑल काफ़ी कार सही है अगर आपको माइलेज के मामले में, सीएनजी में। तो इसका बैक पहले वाली वैगनर से कितनी अच्छी है, तो पीछे का स्पेस देख सकते हैं। पहले वाली वैगनर में जो है सिलेंडर आने के बाद यहाँ पे सिलेंडर आता था, इसके पीछे बिल्कुल भी गैप नहीं होता था। और ये स्पेयर व्हील जो है वो डिक्की फ्लोर के नीचे होता था, डिक्की फ्लोर में होता था, और इसके ऊपर होता था ये सिलेंडर। तो हम इसको यहाँ से नहीं निकाल सकते थे, अब हम इसको खोल के और इसको निकाल सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आप 2 लगेज भी रख सकते हैं मीडियम साइज़ के, और ट्रे मिल जाती है आपको इसमें। तो पिछली वाली ओवरऑल जो है इसका बूट स्पेस काफ़ी अच्छा हुआ है पहले वाले से। अब यहाँ पे आप कुछ लगेज भी रख सकते हैं, तो ये काफ़ी सही लगा मुझे इसमें। अब बात करते हैं इसके एवरेज की सीएनजी में।
सीएनजी में जो है एवरेज एक बार सिलेंडर अगर हम इसका फुल करा लेते हैं 7-7.5 किलो इसमें गैस आ जाती है, 12 किलो का सिलेंडर है इसमें, तो लगभग 210-220 किलोमीटर चल जाती है एक बार में। अभी हम इससे हरिद्वार होके आए रिसेंटली, तो ये इसने 210 के एक बार सिलेंडर फुल कराने के बाद 210 किलोमीटर तक चली थी, तो जो कि काफ़ी सही है, कम 30 की माइलेज आपको मिल जाती है। कंपनी भी पहले वाली वैगनार के मुकाबले जो कि इंजन में इसमें काफ़ी स्पेस है, जो टेक्नीशियन है वो अच्छे से काम कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो अच्छे से उसको इंजन में कुछ भी करना हो, टैपेट कवर खोलना हो, क्लच करना हो, ऊपर जैक पे उठा के, तो आराम से कर सकता है काम। काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, देख सकते हैं आप इसमें। और इसमें पहले वैगनार में ABS भी नहीं आता था, इसमें ABS और एयरबैग मैंडेटरी कर दिया है, तो ये बहुत सही चीज़ है। ओवरऑल वैगनार के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। और कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, जैसे कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, बिल्ड क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी नहीं है, अगर इसको दबाएंगे तो ये दबने लगती है, ये ज़्यादा हल्की हल्की, ये देखो हल्का सा ही लगा था ये बाइक से ही और ये बैंड हो गया, तो ये है कि बस इसका थोड़ी बिल्ड क्वालिटी जो है थोड़ी हल्की है, बाकी सिटी यूज़ के लिए बहुत बढ़िया है।